ऐसी भेड़िए जैसी है, तो ज़ॉम्बी बनके तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मेरा भी वो कोई ज़ॉम्बी का शिकार ना बन जाए। तो बन जाने दीजिए ना भाभी जी, इंसान बनके भी आपका खून चूसते हैं, वैसे लोगों का खून चूसेंगे। तिवारी जी आप अपनी बकवास बंद कीजिए। अरे जो तो है ही फालतू के आदमी के चक्कर में पड़ी गोरी में, आप हमारी मानो, एक काम करो हमारे साथ चलो, हमारे साथ आप बिल्कुल सुरक्षित हो। पहले खुद की सुरक्षा तो कर लीजिए, खुद की सुरक्षा कर नहीं सकते भाभी जी की सुरक्षा क्या खाक करेंगे आप। तुम यार जल्दी से यहाँ जाओ। बेबी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाहर का आदमी तो तुम जानती हो ना, आप ज़ॉम्बी से हाथ लगा कर बैठे हैं यार। मैं कुछ नहीं जानती, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि अगर मरना भी है तो कम से कम अपने पति की बाहों में तो मरूंगी। हेलो अनीता जी, आम भी बात लग के भैया से करवा दीजिए। हेलो हाँ हाँ पगली बोलो। अरे क्योंकि भैया आप जल्दी से घर आ जाइए, हमको बहुत डर लग रहा है। तो चिंता मत करो पगली, हम कोई ना कोई इंतजाम करते हैं, ठीक है। गुलफाम गली, अरे तुम्हें कैसे याद आ गई हमारी, ज्यादा याद आ रही तो फिर आ जाए का। जूम ज़बान को लगाम दीजिए, हम यहाँ मुसीबत में हैं और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे आराम से बोलो गुल्लू, सुनो कक्का हो गो, बोलो बोलो कब आते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक का वक्त नहीं है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, कमिश्नर हुजूर भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। हेलो गुल्लो आवाज नहीं आ रही, आवाज हेलो 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 क्यों फोन काट दिया डॉक्टर साहब, ये गड़बड़ हो गई। सबको क्या हुआ, हमें गुल्लू को ऐसे ज़ॉम्बी के बीच में ना छोड़ना, तो पता नहीं बाबू का हाल हो यार, गलती हो गई यार।